एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, हम सभी मनुष्यों के पास दो हाथ, दो पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है। फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अपनी आदतों की वजह से। आदतें ही इंसान को सफल और असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जीवन भर ऐसी आदतों को अपनाए रहता है जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआत में ही छोड़ देता है। शिष्य ने फिर से कहा कि गुरुदेव, वह कौन सी आदतें हैं जिसे सफल और अमीर व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआत में ही छोड़ देता है? तो गुरु ने थोड़ा सोचा और गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों बताऊंगा जो अमीर और सफल व्यक्ति में नहीं होता है, और इनमें से कोई आदत अगर तुम्हारे अंदर भी है तो आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के सभी सफल व्यक्ति के अंदर होता है। वो सामने वाले व्यक्ति के बातों को पूरा होने देता है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और उसका मतलब क्या है, यह अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर जो असफल व्यक्ति होता है, वह सामने वाले के बातों को सुनता ही नहीं। अगर सुनता भी है तो उसका जवाब देने के लिए या फिर उसका मजाक बनाने के लिए। इससे उसे बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्या पता सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बताने वाला हो जो शायद उसे नहीं पता हो। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपने गलतियों या नाकामियों के लिए किसी दूसरों को दोष नहीं देते हैं। जैसे, मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर दोषारोपण लगाने की जो आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे सकती है या फिर उसके घमंड को बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल ही बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने डर और नाकामी को छुपाने के लिए किसी दूसरों पर दोष लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर होते हैं, वो अपनी गलतियों या अपनी नाकामियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और उन गलतियों से सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते, ना ही खुद से कभी नकारात्मक बातें करते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी खुद के बारे में न तो नकारात्मक सोचते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं। जैसे, अगर नहीं हुआ तो, मैं असफल हो गया तो, मैं तो हमेशा से गलती करता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसी जो नकारात्मक बातें हैं जब कोई व्यक्ति खुद से बोलता है तो वह जाने अनजाने में खुद को एक ऐसी दलदल में फंसा लेता है जहां से निकलना मुश्किल होता है। इसलिए जैसे ही तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें आए तो उसे अपने दिमाग से निकाल कर सकारात्मक बातें सोचने लगो। जैसे, जब वह सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इत्यादि। क्योंकि एक सफल व्यक्ति कभी नकारात्मक नहीं सोचता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल व्यक्ति के पास एक निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं होगा तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? जैसे किसी को यह पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है तो वह कैसे वहां पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसे पाने का रास्ता ढूंढो। तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को में कामयाब हो जाओगे। पांचवी आदत, जो इस दुनिया में अपने मेहनत से अमीर हुए हैं, वे दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी दूसरों को बेइज्जत या किसी की बुराई नहीं करता, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर ना किया गया हो। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम पैसा हो, हमसे कम ज्ञान हो या हमसे कम सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे बेइज्जत करना चाहिए। सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसे अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।